वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट 5 से 20 एम्पीयर तक का ट्रांसफार्मर आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे आप 5 से 20 एम्पीयर तक ले सकते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉबिन चाहिए, और इसके बाद हमें एक पत्ती चाहिए इसके लिए। ये आई वाली और ई वाली पत्ती हैं, और इनका साइज 3 नंबर, बॉबिन भी ये 3 नंबर है। तो सबसे पहले हमें इस ट्रांसफार्मर का डाटा निकाल लेना है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉल में कितना वायर लगेगा और कितने नंबर का लगेगा। तो उसके डाटा को निकालने के लिए हमें इस बॉबिन की ज़रूरत पड़ेगी और इस पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। 3 नंबर पत्ती है, 3 नंबर बॉबिन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जहाँ तक इसकी लंबाई नाप लेनी है बॉबिन की। तो देखिए 3 इंची है, और इसकी अंदर की जो चौड़ाई जो है ये देखिए 1.25 है, 1.25 इंची इसकी चौड़ाई है। जिसके हिसाब से बिल्कुल फिट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें हम 12 वोल्ट 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर डाटा कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें एक पत्ती चाहिए और एक बॉबिन। तो हमारे पास ये पत्ती जो है ये 3 नंबर कोर है, इसका मैंने मैप जो बनाया है इसी की साइज का है पत्ती के बिल्कुल। और ये बॉबिन है, ये 3 नंबर बॉबिन है, और इस बॉबिन की अंदर की लंबाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई अंदर की इसकी ये 3 इंची बढ़ रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो है ये बढ़ रही है 1.25 इंची, 1.25 इंची करीब चौड़ाई बढ़ रही है, और लंबाई इसकी 3 इंची। अब इसमें हमें एक वोल्टेज के लिए कितने टर्न डालने हैं इस बॉबिन पर, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है टर्न इज इक्वल टू 8/ लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारा इसमें ये लंबाई जो है यहाँ 3 इंची लंबाई इसकी आ गई, और चौड़ाई जो है यहाँ ये 1.25 इंची इसकी चौड़ाई आ गई। अब लंबाई और चौड़ाई का इसका हमें गुणा करेंगे तो ये 3.75 इंची आ जाएगा, और इस 3.75 इंची का 8 से भाग कर देंगे तो इसका 2.133 आ जाएगा। तो एक वोल्ट के लिए हमें जो टर्न डालने पड़ेंगे 2.133 टर्न डालने पड़ेंगे। अब देखिए इसकी प्राइमरी कॉल के लिए हम टोटल 5 वायर निकालेंगे। पहला हमारा वायर कॉमन रहेगा, अर्थ के लिए जो होता है न्यूटन जैसे बोलते हैं। दूसरा रहेगा 175 वोल्ट के लिए, और तीसरा 200 वोल्ट के लिए, और चौथा 225 वोल्ट के लिए, और पाँचवा 250 वोल्ट के लिए, जिससे कि आपके घर में वोल्टेज कम ज़्यादा आती है तो यहाँ से आप वोल्टेज एडजस्ट कर सको। अब देखिए इसमें 175 वोल्ट के लिए हमें कितने टर्न डालने हैं, और 200 के लिए और 225 के लिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए, इसका 2.133 एक टर्न के लिए जो आया था इसका मान, तो हमें इसमें 2.133 में गुणा इसका 175 का करेंगे तो 373 टर्न निकल आएंगे, और 200 टर्न के लिए फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 2.133 में 200 का तो 426 टर्न निकल आएंगे। उसके बाद में 2.133 का 225 वोल्टेज से गुणा करेंगे तो इसके 479 टन निकल आएंगे, और उसके बाद में 2.133 का 250 से गुणा करेंगे तो 555 टन निकल आएंगे। तो ये हमारे प्राइमरी कॉल के 4 वायर निकल आएंगे। पहला वायर निकलेगा 373 पे, दूसरा 426 पे, तीसरा 479 पे, और चौथा 533 टन पर। अब इसकी सेकेंडरी कॉल के लिए हम मतलब 12 वोल्ट हमारे 12 वोल्ट का इसमें गुणा करेंगे 2.133 में, तो हमारे 25 टन निकल आएंगे। अगर आप 14 वोल्ट का बनाना चाह रहे हैं तो इसमें 14 का भी गुणा कर सकते हैं, जिससे 14 वोल्ट के लिए टन निकल आएंगे। और अगर आप 18 वोल्ट का मतलब ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ 18 का भी गुणा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हम तो 12 का बना रहे हैं तो हमारे 25 टन निकल आएंगे। और इसकी प्राइमरी कॉल में जो हमारा वायर लगेगा वो 26 नंबर का लगेगा प्राइमरी कॉल में, और सेकेंडरी कॉल में जो वायर लगेगा वो 14 नंबर का लगेगा। अब इस बॉबिन को हमने मशीन में फिट कर लिया है, और इस बॉबिन के ऊपर ये वाइट वाला पेपर जो है हल्का पेपर लगाया है। अब चाहो तो अखबार का भी ला सकते हो, अगर मोटा लगाओ तो इसमें इसका वायर नहीं आएगा तो ये ध्यान रखना है। इसमें हमने पहला वायर जो है जो कॉमन रहेगा वो सबसे पहले नीचे डाल दिया है। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी कॉल को बना रहे हैं, और इसमें हमने ये 26 नंबर का वायर इस्तेमाल किया है, और आपको ये वायर इस तरीके से इसमें डालना है एक दूसरे वायर के ऊपर ना चढ़े। अगर एक दूसरे वायर के ऊपर चढ़ जाएगा तो इसमें कॉइल में वायर नहीं आएगा,
तो इसमें आपको लेयर बाई लेयर वायर डालना है। अब हमारी ये एक लेयर कंप्लीट हो गई है, इसके ऊपर अब हमें हल्का पेपर लगा लेना है, चाहो तो आप अखबार का भी लगा सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। आप लाइक करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। अब इस कॉइल में हमारे 373 टर्न आ गए हैं। अब हमें एक बार जो है 373 पे निकाल लेना है, दूसरा बार जो निकलेगा, एक हमारा कॉमन हो गया था, अब इसके बाद मुझे दूसरा वायर है। अब हमारे इस कॉइल में 426 टर्न पूरे हो गए, तो हमें अब इसका तीसरा वायर जो निकालना है वो 426 टर्न पे निकाल लेना है। पहला वायर हमारा 175 वोल्टेज के लिए था और दूसरा वायर हमारा ये 200 वोल्टेज के लिए हो गया है। अब इस कॉइल में हमारे 479 टर्न पूरे हो गए हैं। अब इसका तीसरा वायर जो है ये 225 वोल्टेज वाला हमें निकाल लेना है। इसमें हमने कॉमन वायर को नहीं गिना है, उसको लगाओगे तो अब चौथा वायर हो जाएगा ये। अब इसमें एक एक टर्न करके डालने हैं। अब इस कॉइल में हमारे 534 टर्न पूरे हो गए हैं। अब हमें ये लास्ट वाला वायर जो है 534 टर्न पे निकाल लेना है ये। अब हमारी ये प्राइमरी कॉइल कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हमें ये मोटा पेपर एक लगा देना है, इसमें हल्का पेपर नहीं लगाना है क्योंकि शॉर्टिंग आ जाएगी, मोटा पेपर लगाना है। अब इसके बाद हमें प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल बना लेनी है 12 वोल्टेज के लिए। इसके लिए हमें 14 नंबर वायर चाहिए। अब इस बॉबिन के ऊपर हमें एक एक टर्न करके लपेट लेना है, और ये आपको ध्यान रहे इसका तार जो है एक दूसरे तार के ऊपर नहीं चढ़े, अगर एक दूसरे तार के ऊपर चढ़ जाएगा तो इसमें वायर नहीं आएगा क्योंकि ये मोटा वायर है, जगह ज़्यादा फिर घेरेगा वो। और अगर आपको कहीं से कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में भी कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमारी ये कॉइल पूरी कंप्लीट हो गई है, और इसके अगर वेट की बात करें तो इसका वेट 405 ग्राम बैठता है। अब ये हमारी कॉइल पूरी तरीका से कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें पत्ती फंसा लेनी है। इसमें इन पत्तियों को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एक साइड में किनारी होती है, ये एक साइड में किनारी और एक साइड में प्लेन, तो इसकी ये प्लेन वाली किनारी जो है ये ऊपर को रखनी है और ये नुकीली किनारी नीचे को रखनी है। जो ऊपर नीचे करके लगाओगे तो फिर ट्रांसफार्मर एम्पियर लेता है, एक साइड में ही रहनी चाहिए इसकी किनारी जो है। अब इसमें हमें दो दो पत्तियां लगानी एक साथ। देखिए अगर आप इसमें दो पत्ती से ज़्यादा एक साथ लगाते हैं, मान लो एक चार चार छः छः करके पत्ती लगाते हैं, तो उससे फिर आपका ट्रांसफार्मर एम्पियर लेगा और इसकी साउंड ज़्यादा आएगी, जो हनुन की साउंड आती है, और ट्रांसफार्मर गर्म होकर चलेगा। अगर आप इसमें एक एक पत्ती करके लगाते हैं एक एक साइड से तो बहुत ही बढ़िया ट्रांसफर रहता है, लेकिन हम दो दो इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि फिर इसमें एक एक पत्ती लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, दो दो पत्ती में तो टाइम भी नहीं लगेगा, दो दो पत्तियां में सही रहती हैं, और बाद में इसमें जो इसके ट्रांसफार्मर की पत्ती लॉक करनी पड़ती है, दोनों पत्तियों के बीच में पत्ती डाल के आसानी से लग जाती है। लास्ट में एक साथ आप दो चार भी लगा सकते हो, छः भी लगा सकते हो लॉक करने के लिए, लेकिन शुरू में आपको दो दो पत्ती लगानी है लेफ्ट राइट दोनों साइड से। अब जो ट्रांसफार्मर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें लास्ट में हमें पत्ती जो है पेचकस से इसका मुंह चौड़ा के और हथौड़ा से इसमें ठोक देनी है अंदर, इसमें पत्ती थोड़ी टाइट रहनी चाहिए। अब देखिए हमारा ट्रांसफार्मर ओके है और इसमें यहाँ हमारी सप्लाई आ रही है बाहर, ये देखिए 12-13 वोल्टेज करीब आ रहे हैं इसमें आउटपुट में, और यहाँ एसी के वोल्टेज देखोगे तो
250 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। देखिए इसको मैं 100 वाट के सीरीज से चेक कर रहा हूँ और इसको एक बार मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ इसकी सप्लाई आ रही है। देखिए ये हमारे पास 150 एम्पीयर की एक साइड की बैटरी है और आज मैं आपको इसी को चार्ज करके दिखाऊंगा। तो इसमें हमने ये एम्पीयर मीटर यहाँ फिट कर दिया है। ये एम्पीयर मीटर के दो वायर होते हैं, ये सीरीज में लगाना पड़ता है एम्पीयर मीटर। इसका एक वायर ये माइनस वाली पिन पे लगा दिया है और इसका दूसरा वायर ये ट्रांसफार्मर पे। और इसमें एक डायोड लगा दिया है जिसमें आगे की साइड सफेद जो है ये प्लस साइड है और ये हमने यहाँ प्लस पिन पे लगा दिया है। तो इसमें हमने ये एम्पीयर मीटर फिट कर दिया सीरीज में। और इस ट्रांसफार्मर के पीछे ये हमारा एक कॉमन वायर है अर्थ वाला जो होता है। और इस ट्रांसफार्मर में ये चार वायर जो हैं ये एम्पीयर एडजस्ट करने के लिए हैं, कम ज़्यादा एम्पीयर के लिए हैं। पहले वायर पर कम एम्पीयर आएंगे, दूसरे पर ज़्यादा आएंगे, तीसरे पर ज़्यादा आएंगे, चौथे पर और ज़्यादा आएंगे। देखिए अब इस ट्रांसफार्मर को चेक करके देखते हैं। अब जो पहले वायर पर हमारे 5 एम्पीयर करीब आ रहे हैं और दूसरे वायर पर हमारे लगभग 7 एम्पीयर करीब आ रहे हैं और तीसरे वायर पर हमारे 12-13 एम्पीयर करीब आ रहे हैं। और चौथे वायर पर हमारे लगभग 30 एम्पीयर करीब आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।